आज हम लोग जो केमिस्ट्री है उसमें हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8 है तुम्हारा। इसके पहले हम लोग पी ब्लॉक पढ़ाई कर चुके हैं, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आई होप कि तुम लोग जो पी ब्लॉक के जो सारे लेक्चर्स हैं राजस्टूडल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुमने देख लिया होगा, जिसमें कि तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कि तुम्हारे सारे लेक्चर्स जो तुम्हारे हैं क्लास 11, 12 सब के जेई मेंस एडवांस इन सबों के प्रिपरेशन के लिए तुमको वीडियो हैं, तुम्हारे जो दिए हुए हैं तुम्हारा क्या कहते हैं जो क्वेश्चंस पेपर हैं ऑब्जेक्टिव के लिए और प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सब भी तुम आकर के उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर्ड के एग्जाम के लिए उसमें चाहो नोट्स भी तुम उसमें ले सकते हो। और इससे भी ज़्यादा तुमको जिस भी पोर्शन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो या कोई टॉपिक में किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, बोर्ड की प्रिपरेशन करते हो जेई मेंस एडवांस या नीट इन सबों की प्रिपरेशन के लिए तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो पढ़ाई में, तुम उसके लिए राजस्टूडल ऐप से में से हमारा नंबर लेकर के व्हाट्सएप नंबर हो ईमेल या किसी भी चीज़ से ढंग से हमसे संपर्क कर सकते हो। और जिस चीज़ के पर्सनल केयर चाहिए तुमको, डाउट क्लासेस ज्वाइन करने हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करने हो, उसके लिए तुम राजस्टूडल ऐप पर आकर के पर्सनली भी हमसे मदद ले सकते हो या जिस भी सेक्शन का तुम्हें चाहिए उसके लिए तुमको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। तुम्हें पर्सनल केयर के लिए तुम जो है मेंटर के रूप में तुम यूज चूज कर सकते हो। नाउ तुमको आज का जो हम लोग चैप्टर है टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ कि आज हमने नया चैप्टर स्टेक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में तुमको जो ब्लॉक को डिसाइड करने का जो तरीका है तुम्हारा किसी भी पीरियोडिक टेबल में, किसी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले हम लोग लिखेंगे और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने पर जिस ऑर्बिटल में उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह उसके उस एलिमेंट के ब्लॉक को डिटरमाइन कर देता है। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में चले गए तो वह एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी में चले गए तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी में गए तो वो डी ब्लॉक का होगा और एफ में गया तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट वो होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो तो एक ब्लॉक का कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, द लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to the orbital decides the block of the element in periodic table, पीरियोडिक टेबल में उसके ब्लॉक को डिफाइन करेगा। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए अगर तुमको कुछ मदद की ज़रूरत है तो उसको तो हम लोग ऑफ बॉ प्रिंसिपल पर डील करते हैं, पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तुमको पहले सबसे पहले जाता है 1s में, फिर किस में जाएगा तुमको 2s में जाता है, इसमें s में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 2p में, देयर आफ्टर 3s में, फिर 3p, देयर आफ्टर तुम्हारा चला जाएगा ये तुमको 4s, देन 3d और 3d के बाद फिर क्या होगा तुम्हारा 4p में जाते हैं, 4p के बाद फिर तुम्हारा s में आ जाता है, दैट इज क्या होगा तुम्हारा 5s में आ जाएगा, तुम्हारा 5s के बाद तुम्हारा 4d में आएगा और d के बाद तुम्हारा फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 5d, मतलब कि तुम्हारा 4d आ गया तो 5p में आ जाएगा, 5p के बाद फिर तुम्हारा 6s में आ जाएगा, 6s के बाद अब इंट्री होगा पहले 4f का और फिर 5d का इंट्री होगा, फिर 6p का इंट्री होगा, 6p के बाद फिर 7s आएगा, 7s के बाद तुम्हारा फिर किसका एंट्री आ जाएगा, 7s के बाद 5f आएगा तुम्हारा, 5f के बाद तुम्हारा 6d आएगा, 6d के बाद 7p आ जाएगा, दैट इज 118 तक आ जाएगा ये, जो कि हमारा जो है पी ब्लॉक में जहाँ तक पढ़ाई किए वहाँ तक आ जाएगा। और इसको अगर याद करने में दिक्कत है, याद करने में n+l वैल्यू पर सब में निकालना कठिन भी होता है, n+l वैल्यू के पर जिसका लोअर होता है उसमें जाता है, और अगर n+l वैल्यू सेम हो तो जिसका लो जिस ऑर्बिटल का n वैल्यू कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करे जाते हैं, और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10, f में मैक्सिमम
14 इलेक्ट्रॉन, ये सब तुम्हें पता भी होगा सबको, मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ। और ऐसे तुमको एक और तरीका है जो कि इसको क्रॉस करके भी याद करता है, 1s, 2s, पहले ऑर्बिटल सब लिख लीजिए, एक एक ऑर्बिटल बढ़ते जाता है तुमको, 3 में 3s, 3p, 3d, 4s, यहाँ पे 4p, 4d और यहाँ पर 4f आ गया। उसके बाद f के बाद तो तुम्हारा 5s, 5p, 5d और तुमको 5F, यहाँ पर 5G भी आ सकता है, लेकिन 5G में जबकि 120 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें आएगा, इसलिए अभी नहीं भरे जाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6S, 6P, 6D और 6F वगैरह में तो अभी इलेक्ट्रॉन नहीं गए हैं, 6G और 6H तक भी जा सकता है, यहाँ पर 6 में एक एक बढ़ते जाएगा, तो ये तुम्हारा अभी तक तो नहीं इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी है। और 7S में ही तुम्हारा क्या हो गया, 7S, 7P और जाहिर है कि उसके बाद ये 118 का तुम्हारा यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद 8S का नंबर आएगा, तो 8 पीरियड जो कि पीरियड टेबल में है भी नहीं और उसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर 1। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या करोगे, पहले इसमें क्या भरने का तरीका है, इसी चीज़ को जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो पहले 1S में फिलअप किए, फिर इसमें 2S में गया, फिर 2P देन 3S, फिर क्या गया तुमको 3P देन 4S, 3D, 4P, 5S, ये तुम्हारा क्या है, अब इसमें चला जाएगा तुमको D, उसके बाद फिर P, फिर क्या होगा तुम्हारा ये S, इस ढंग से क्या होगा तुमको इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, फिर यहाँ समाप्त हो गया, तो कहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ये गया इसमें, फिर ये, फिर S में चला गया, फिर अब जो तुमको है यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया F में, तो फिर तुमको कहाँ से जाएगा तुम्हारा, अब इस F से स्टार्ट होगा, इसमें जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर जो तुम्हारा देख सकते हो, और इस ढंग से क्या हो जाएगा तुमको इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जाएंगे और तुमको इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसका। तो ये तुम्हारा है जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भरने के जो मेथड्स हैं तुम्हारे यही डिफाइन किए हुए हैं, और इसमें जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी का भी लिख सकते हो, जैसे कि हम लोग किसी का ग्रुप नंबर, जैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट का पहले एक आध लिख लेते हैं हम लोग, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसमें हम लोग का जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लिखते हैं Fe26 का, तो Fe26 का पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर 2s में लिखेंगे, फिर 2p6, 3s में 3p6, 3s2, 3p6, 4s2, दैट इज यहाँ पे गिनेंगे 20 तक आ जाएगा, तो 4s2 के बाद 3d आ जाएगा, तो 3d में 6 आ जाएगा इसमें, तो 3d में 6 आ गया। तो ये जो तुमको इसका पीरियड हो गया, इसका जो पीरियड कहेंगे, इसका पीरियड किमा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, इसका पीरियड ऑफ Fe क्या होगा तुम्हारा, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन, विच फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4th, दैट इज 4th ऑफ पीरियड हो गया, इसका पीरियड हो गया 4th। और जहाँ तक कि ग्रुप हो जाएगा, इसका ग्रुप नंबर जो हो गया तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सम ऑफ, भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट एस एंड डी ऑर्बिटल, लास्ट एस एंड डी ऑर्बिटल में इसको सम करना है, लास्ट एस में 2 है प्लस 6, दैट इज इसमें 8 हो गया। और यहाँ पर एक बात और गौर कर सकते हैं, ये तो खैर अब जनरल बातें हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह, जो मैंने पुराने बातों को रिमाइंड किया, इन सबों को मैं मिटा रहा हूँ, आई होप कि ये तुम्हें जो है फिर से याद करने में तुम्हें मदद करेगा कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका लिखना है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब जहाँ जरूरत होगा अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की उसका मैं बता भी दूंगा, जो एक्सेप्शंस हैं उसकी चर्चा की जाएगी। तो अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्रुप डी ब्लॉक का, और एफ डी ब्लॉक को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट का भी चर्चा करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की चर्चा अभी कर रहे हैं, उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट की चर्चा बाद में करेंगे हम लोग। तो डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो ग्रुप नंबर डिसाइड करेंगे क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें फिलअप होता है दैट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, और डी ऑर्बिटल में अगर है तुमको
तो उसमें लास्ट वाला एस और लास्ट एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को और लास्ट डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अगर क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया, तो उससे उसका ग्रुप नंबर डिसाइड हो जाएगा। तो जो तुम्हारे जैसे कि अभी एफ का ग्रुप नंबर क्या आया, तुमको एस में दो इलेक्ट्रॉन थे और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है डी ब्लॉक का, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एस में या तो वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जीरो से लेकर दो भी हो सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एस ऑर्बिटल में जीरो से टू तक और एन माइनस वन डी में वन से लेकर टेन तक। तो ये तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लिख लेते हैं यहीं पर। तो उसका जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने क्या प्राप्त किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, मतलब एस पी डी एफ के आधार पर तुम लिखते जाओगे तो डी ऑर्बिटल में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, और एफ इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में अगर गए तो वो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे। डी ऑर्बिटल के जो मतलब बहुत से एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं और एफ के एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन कहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें दोनों में फर्क भी है, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट में, जिसको हम लोग अभी देख लेते हैं। डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत नहीं भी आते हैं, तो हम लोग अब डी ब्लॉक का अपना स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू एन माइनस वन डी वन से टेन और एन एस में जीरो से दो तक। एन एस में जीरो से लेके दो तक होगा और एन माइनस वन डी में वन से टेन तक होगा। ये तुम्हारा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। जहां तक कि इसमें ग्रुप नंबर की बात है, तो एस वाला इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो ग्रुप नंबर पता चलेगा इसका। तो ग्रुप नंबर जो तुम्हारा हो जाएगा, ग्रुप नंबर इसका थ्री, टू प्लस वन, दैट इज डी में कम से कम एक तो होना ही चाहिए तभी डी ब्लॉक में आएगा, और एस में दो होता है जनरली, तो पहले तुमको टू प्लस वन दैट इज कहां से आ गया, शुरू होगा थ्री से शुरू होगा और लास्ट क्या होगा, टू प्लस टेन तक जाएगा, ग्रुप थ्री टू ट्वेल्व तक जाएगा ये। और पीरियड तो जाहिर है कि ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा, फोर्थ पीरियड टू सेवन्थ पीरियड में ये है। डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो पीरियड है तुम्हारा थ्री डी में पहला सीरीज शुरू होगा, तो ये पीरियड फोर्थ से लेके सेवन्थ तक जाएगा, ये फोर्थ टू सेवन्थ पीरियड में है, यह ग्रुप यहाँ तक है तुमको। और इसका फर्स्ट, इसमें जो सीरीज वाइज बांटा गया है, जैसे पहला सीरीज है तुम्हारा जो दैट इज क्या हो गया तुमको, अब इसमें जहां तक की है पहले ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट है ये ग्रुप डी के एलिमेंट हो गए, तो इसको जो है हम लोग ग्रुप डी जो है तुमको ग्रुप ब्लॉक डी के जो एलिमेंट है, ब्लॉक डी इज रिटेन इन इज इन मिडिल ऑफ पीरियोडिक टेबल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो देखा होगा एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट साइड में है और पी ब्लॉक सबसे राइट साइड में, उसके बीच में डी को स्थान दिया गया है। सो इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मतलब कि एक से जैसे कि दूसरा में प्रवेश करना, ट्रांजिशन बीच का रास्ता हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट इसको कहा जाता है। बट ग्रुप ट्वेल्व दैट इज जेड एन सी डी एच जी और अभी जो नए एलिमेंट आ गए हैं तुमको, जो कि तुमको कॉपर नीशियम दैट इज सी एन, ये तुम्हारा जो ग्रुप 12 के एलिमेंट हैं, इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज
बिकॉज इट हैज नो नो कहते हैं इट हैज कंप्लीट, ऐसा कर दें, इट हैज कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज ग्राउंड स्टेट। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन भी तुम्हारा इसके बाद एनसीईआरटी का जो फर्स्ट तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, ये तुम्हारा उसका जवाब भी होता है कि जेडन को मतलब स्कैंडियम जो है तुम्हारा, स्कैंडियम को में डी में वन इलेक्ट्रॉन होता है, स्कैंडियम जो कि ग्रुप 13 का इसका जो जो अभी फर्स्ट एलिमेंट जो तुम्हारा 3D का शुरू होगा स्कैंडियम होगा, खैर उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे क्लास, जेडन को हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो दो इलेक्ट्रॉन 3D10 4S2, तो लास्टली आप 2 इलेक्ट्रॉन जेडन से निकाल सकते हैं, 3D10 उसमें रह ही जाता है, और इसलिए इसको जो है किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके मतलब कि डी ऑर्बिटल हमेशा फुल फिल्ड होते हैं, जबकि स्कैंडियम के हैं कि तुमको डी ऑर्बिटल में तुमको इलेक्ट्रॉन रह भी रहते हैं एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। लेकिन जेडन का जो तुमको है जेडन CdHg या तुमको जेडन CdHg जो पुराने जो एलिमेंट यही है, न्यू एलिमेंट की बात अगर छोड़ें तो जेडन CdHg इस सब को हम लोग ग्रुप 12 का जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल एलिमेंट भी कहते हैं, और इसके देखेंगे प्रॉपर्टीज का अध्ययन तो हम लोग जरूर इसमें पढ़ेंगे हम लोग अभी डी एंड एफ ब्लॉक में, चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ उसका भी हम लोग स्टडी कर लेंगे, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट से बाहर माने जाएंगे ग्रुप 12 के एलिमेंट। तो ये ध्यान रहे डिफिनेशन में, अगर तुमको ये बात है ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया जो कि इसको 3-12 के को ग्रुप को तो मैंने बीच में डी ब्लॉक में माना गया है, लेकिन 12 ग्रुप जो एलिमेंट है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। आई होप कि याद रह जाएगा तुम्हें 12 ग्रुप जो है 12 ग्रुप का एलिमेंट जेडन CdHg को हम लोग किसमें कंसिडर नहीं करेंगे, जेडन CdHg को हम लोग ग्रुप 12 के जो एलिमेंट हैं इसको हम लोग किसमें शामिल नहीं करेंगे, फिर से ध्यान रहे ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि डीप ग्रुप में जरूर अध्ययन करेंगे हम लोग, लेकिन इसका जो स्टडी हम लोग करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जब अभी हम स्टडी करेंगे जो कि 3D सीरीज में 4D सीरीज में, तो उसके साथ इसके एलिमेंट की भी चर्चा होगी जरूर, उसी के साथ स्टडी भी कर लेंगे हम लोग अभी और उसमें देख लेंगे, लेकिन बहुत से जगह पे देखेंगे तो वो बिल्कुल सबसे अलग व्यवहार भी रखेगा, और जाहिर है कि उसे रखना भी चाहिए क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल क्या है वैकेंट नहीं होते, तो बहुत जगह पे उसमें देखेंगे कि एक्सेप्शंस रहेंगे उसके, लेकिन हम लोग अभी उसका स्टडी भी करेंगे। तो अब बारी बारी से हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके जो कि एलिमेंट हैं ग्रुप 12 के, ग्रुप मतलब कि 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप एलिमेंट के हैं, या पीरियड वाइज देखें ग्रुप वाइज देखें दोनों ढंग से, पहले हम लोग इसके जो ग्रुप डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उसका हम लोग नाम देख लेते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जान लेते हैं, और नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग तो जाहिर है कि जो लिखना है वो तो मैंने अभी बता दिया, जो एक्सेप्शंस है जाहिर है हम लोग उस पर ही फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब इलेक्ट्रॉनिक जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तुमको जनरल लॉ पर जो अभी बाफो प्रिंसिपल के आधार पर जो हमने अभी जो बनाया था टेबल उस पर ध्यान दोगे, और एक जो तुमको होता है एक्सेप्शन जो कि तुमको जिसमें कि डी ऑर्बिटल में जब भी तुमको क्या होता है जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कारण होता है, जाहिर है कि वो भी एक्सेप्शन में आते हैं, उसकी भी हम अभी चर्चा कर देंगे, ऐसे पहले से भी जानते होंगे, कुछ और भी एक्सेप्शन आएंगे, तो हम सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसको हम लोग अभी लिख लेते हैं बोर्ड पर, और उसको एक बार देखो, उससे तुमको याद करने में तुम्हें जहाँ तक संभव हो, 3D सीरीज तो खैर याद करना ही करना है, 3D सरफेस सीरीज जो तुम्हारा सबसे पहला सीरीज है उस पर तो हमारा खास करके जो सिलेबस का है हमारा सबसे अधिक जोर रहता है, सारे प्रॉपर्टीज उस पर डील ही होते हैं, 4D 5D 6D ये 4 सीरीज में बटे हुए हैं, मैं एलिमेंट्स को लिख देता हूँ तुम्हें, जितना ये बाकी सीरीज के जो एलिमेंट याद हो पाएंगे उसे याद करोगे। तो पहला मैं एलिमेंट लिखते हैं 3D सीरीज का, 3D सीरीज, तो 3D सीरीज में तुम्हारा है, 3D सीरीज में तुमको यहाँ पर ग्रुप 3 के एलिमेंट हो जाएंगे तुमको, तो फिर 3D सीरीज नाम लेते हैं फिर ग्रुप भी दे देंगे तुमको, 3D सीरीज में सबसे पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 21, स्कैंडियम का कितना हो गया ये 21, स्कैंडियम के बाद आता है तुमको ये तुमको 3D सीरीज का स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम दैट इज 22, वेनेडियम दैट इज 23, वेनेडियम के बाद आ गया तुमको क्रोमियम
दैट इज 24 मैग्नीज, दैट इज 25 एफ ई, दैट इज 26 एफ ई के बाद तुम्हारा हो गया कोबाल्ट, 27 निकेल, 28 कॉपर, 29 ZN, 30। और ये तुमको है 12 नंबर ग्रुप है ये तुम्हारा, और इस ढंग से तुमको ग्रुप नंबर ये घटते चला जाएगा। 12 है तो ये तुमको ये क्या होगा तुम्हारा, ये ZN वाला हो गया 12 हो गया तुम्हारा, तो कॉपर तुमको क्या आ जाएगा, ये 11 नंबर ग्रुप में आएगा। इसके बाद ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा 10 नंबर ग्रुप में आ जाएगा, ये 10 में। फिर ये क्या आ गया तुम्हारा, ये धीरे धीरे घटते चले जाइए, तो 10 के बाद ये क्या आ गया तुम्हारा, ये 9 नंबर ग्रुप होगा। 9 के बाद ये क्या तुम्हारा आ जाएगा, ये 8 नंबर ग्रुप है तुम्हारा। 8 के बाद तुम्हारा क्या हो गया, फिर ये घटते हुए आइए तो ये तुम्हारा हो गया 7 नंबर ग्रुप होगा, 7। फिर क्या होगा तुम्हारा, ये 6 होगा, 6। फिर तुम्हारा आ गया है 6 के बाद क्या आ जाएगा तुम्हें, ये 5। 6 के बाद यहाँ पर क्या आ गया तुम्हें, ये 5 आ गया। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हें, ये 4 है, ये तुमको टाइटेनियम 4 ग्रुप का हुआ, और ये हो गया तुम्हारा 3rd ग्रुप का हो गया तुम्हारा ये। और इसमें जहाँ तक कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा अगर करेंगे, ये 3D सीरीज में फिर से एलिमेंट को फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, तुम्हें याद करने की कोशिश कर सकते हो अगर याद नहीं है अभी तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, एटॉमिक नंबर 21 to 30 और ग्रुप नंबर 3 to 12। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एक बार दो बार इसको रिपीट करोगे, वीडियो को पीछे भी करके अगर याद नहीं हुआ फिर से रिपीट करके सुनोगे और अपने से भी इसको दोहराने का कोशिश करोगे। जो एलिमेंट को याद नहीं किया है, जिसको याद नहीं है फिर से याद करने की कोशिश करो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। यू हैव टू रिमेंबर इन दिस वे। अब 3D सीरीज के बाद तुम इसको याद करोगे अपने ढंग से वीडियो को रिपीट करके भी। अब मैं 4D सीरीज का एलिमेंट लिखता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है 4D सीरीज के वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। 4D सीरीज, 4D सीरीज में तुमको आएगा, 4D सीरीज शुरू होता है, जाहिर है कि इसमें 18 प्लस कर दीजिए, ये तुम्हें मैंने हिंट किया इसमें कि कैसे आप याद रख सकते हैं। एटॉमिक नंबर भी सब में 18 प्लस होते चला जाएगा, सब आगे से नीचे लिखते चले जाइएगा। और जाहिर है कि इसमें एटॉमिक नंबर इसे तुम्हें अपना याद भी होना चाहिए। ये इट्रियम, दैट इज 39 होगा। इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, फिर जर्कोनियम आएगा, दैट इज 40। तो जर्कोनियम क्या आ गया तुमको, दैट इज 40। नियोबियम आ जाएगा, दैट इज 41। मॉलिब्डेनम आ जाएगा, दैट इज 42। मॉलिब्डेनम 42। टेक्नीटियम आ जाएगा, दैट इज 43। टीसी टेक्नीटियम, दैट इज रुथेनियम, दैट इज 44। रुथेनियम के बाद तुम्हारा जो नंबर आएगा रोहेडियम, दैट इज 45। पैलेडियम, दैट इज 46। एजी, दैट इज 47। और सीडी, दैट इज 48। तो क्या हो गया एलिमेंट को फिर से एक बार मैं बोल देता हूं, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रोहेडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। तो आई होप कि यहाँ तक याद करने की कोशिश करोगे। और तुम्हें दूसरा 5D सीरीज में भी लिख देता हूँ मैं, कम से कम एक बार एलिमेंट का नाम तुम्हें परिचित हो जाना चाहिए सबों से। 5D सीरीज की बात है तो 5D सीरीज में यहाँ पर तो जाहिर है कि तुमको ये जो 39 में 18 जोड़ोगे तो ये लेंथेनम तुम्हारा तो यहाँ आ जाएगा,
लेकिन बाकी सभी एलिमेंट में इसके बाद के जो एलिमेंट है इसमें तुमको यहाँ पर सभी 58 टू 71 जो आते हैं वो तुमको लेंथेनाइट्स लेंथेनम के बाद से जो क्या आते हैं दैट इज 4F सीरीज शुरू हो जाता है 58 टू 71 जिसे पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह दिया दैट इज लेंथेनाइट्स आफ्टर लेंथेनम इट इज लेंथेनाइट्स 58 टू 71। तो ये तुमको इसे बाद में हम मार्क करके इधर लिख देंगे तो अभी मैं फिलहाल लिखता हूं तो 71 तो यहां छोड़ देंगे लेंथेनाइड्स के लिए। तो अब हम लोग आते हैं इसमें हैफनियम, तो इसमें 32 ऐड करना होगा, इसमें ध्यान रहे। तो तुमको 32 ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा तुमको हैफनियम का तुम्हारा आ गया तो 72 हो गया। 72 के बाद तुमको यहां पर आ जाएगा तुमको 73 का टेंटेलम टी ए टेंटेलम। उसका टंगस्टन का जो सिंबल है वो भी तुमको ध्यान रखें डब्लू है उल फ्रॉम से आता है दैट इज तो 74 डब्लू टंगस्टन ये टंगस्टन है। उसके बाद आता है तुमको रेनियम दैट इज 75 रेनियम 75 रेनियम के बाद आता है तुम्हें रेनियम के बाद तुम्हारा आ गया ऑस्मियम दैट इज 76 इरिडियम दैट इज 77 प्लेटिनम 78 गोल्ड 79 एच जी 80। ये तुम्हारा आ गया ये तुम्हारा ग्रुप वाइज भी तुम्हारा तैयार हो रहा है ये टेबल ग्रुप वाइज भी हो गया और पीरियड वाइज भी हो गया। तुम्हारा ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे पढ़ सकते हो तो ग्रुप वाइज हो जाएगा। ऐसे तुम्हारा अध्ययन ज़्यादा इसी के रूप में किया गया इसीलिए मैं इसी वे में लिख रहा हूँ और इसको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ 5D सीरीज को लेंथेनम हैफनियम टेंटेलम टंगस्टन डब्लू रेनियम ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। मरकरी है एक एलिमेंट है जो कि तुमको किस में पाया जाता है लिक्विड स्टेट में ध्यान रहे। तो ये तुम्हारा हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं तुमको ये 3D सीरीज हो गया 4D हो गया 5D हो गया नाउ 6D सीरीज 6D सीरीज में आइए। तो 6D सीरीज में तुम्हारा जो है यहां पर भी है कि फिर वही बात है जो कि तुम्हारा यहां पर भी तुमको एक्टिनियम आएगा जो कि 32 प्लस से ही आएगा ऑफकोर्स अब दैट इज एक्टिनियम दैट इज 89 हो गया। तो इसके बाद फिर 92-103 ये एक्टिनाइड्स के रूप में नीचे चले जाएंगे। तो ये जो तुम्हारा होगा और मैं यहां लिख देता हूं लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड्स। अब तो खैर ये लास्ट सीरीज है तुम्हारा तो मैं लिख देता हूं लेंथेनाइड्स जो होता है लेंथेनाइड्स 4FV कहलाता है लेंथेनाइड्स को 4F कह सकते हैं 4F सीरीज जिसका है 58 टू 71 के हैं जिसकी चर्चा हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो करेंगे अलग से। और एक्टिनाइड्स एक्टिनियम के बाद आया इसलिए एक्टिनाइड्स ये 5F सीरीज 92-103 इसकी चर्चा करेंगे हम लोग जो कि यहां पर तो जाहिर है कि ये कहां से शुरू होगा 104 से शुरू होगा। अब ये होगा 104 से ये नए एलिमेंट है इसका नाम अगर नहीं भी याद है तो वैसे मैं लिख देता हूं एक बार नाम सुन लो RF 104। दूसरा उसके बाद तुम्हारा जो है 105 में आता है तुमको ड्यूबनियम DB 105 106 हो गया तुमको सिबोर्जियम ये तुमको सिवोर्ज लेबोरेटरी में बना हुआ है जो कि तुमको पीरियोडिक टेबल जो कि अगर क्लास 11 का पढ़े होगे उसमें भी इसके बारे में सिवोर्ज ग्रुप में किसने कौन सा एलिमेंट प्रिपेयर हुआ है तो उसका नाम है सिवोर्जियम ये तुमको इसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन तो उससे भी याद होना चाहिए तुम्हें पीरियोडिक टेबल में तुम्हारा था जो कि क्लास 11 में। तो सिवोर्जियम यहाँ हो गया तुम्हें सिवोर्जियम 106 है। सिवोर्जियम के बाद तुम्हारा आता है 107 का जहाँ तक है 107 ये तुमको बोर्स नील्स बोर के नाम पर है तुमको बोर थ्योरी जो पढ़ा होगा तो उनके नाम पर है ये बोरियम तो नील्स बोर के नाम पर है ये बोरियम 107। और उसके बाद तुम्हारा जहां तक है एलिमेंट 108 है दैट इज हैसियम HS तो ये तुम्हारा HS 108 हो गया। मिटिटियम दैट इज MT 109 होगा।
डर्मेस्ट्रियम दैट इज डीएस 110 होगा, 111 है तुमको रोंटेजेनियम जो कि एक्सरे के जिन्होंने बनाया है रोंजन उनके नाम पर है रोंटेजेनियम आरजी, और कॉपरनीशियम कॉपरनिकस के नाम पर है कॉपरनीशियम सीएन 112। तो आई होप कि ये तुम्हें नहीं भी याद है, एक बार मैंने नाम लिख दिया, ये रिसेंटली है मतलब सब इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड जो एलिमेंट हैं ये सब, तो खैर इसकी चर्चा इसको फिर से मैं रिपीट भी नहीं कर रहा हूँ। तो जहाँ तक है तुमको ये यहाँ तक याद करोगे तो सबसे जो मेन तुम्हारा था 3D सीरीज उसको फिर से याद, 3D 4D ये सबको याद कर लोगे, 5D भी यहाँ तक संभव है याद करोगे, 6D तो खैर अभी रिसेंटली एलिमेंट है जो मुझे याद था मैंने लिख दिया। तो अब है तुम्हारा इसमें जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये तुमको लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की चर्चा हम लोग जाहिर है कि इसको जबकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हैं ये, जिसकी जो नीचे टेबल में जगह दिया गया है दो हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब बात रहा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, इसका कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस है उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। एक तो एक्सेप्शन में तुमने देखा होगा हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड डी ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। इसका मतलब ये क्या होता है, अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो बहुत से एलिमेंट D5 कर लेंगे, D4 से क्या जाने की प्रवृत्ति रहती है, D4 से D5 कन्वर्ट और S से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और D9 से D10 होने की टेंडेंसी बहुत से एलिमेंट में पाई जाती है, बहुत से एलिमेंट में पाई जाती है का मतलब ये भी है यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिसमें ये प्रवृत्ति नहीं भी है, मतलब जिसके D4 भी स्टेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा याद रख लो D4 भी पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, दैट इज टंगस्टन, टंगस्टन तुम्हारा जैसे है, टंगस्टन का जो तुम्हारा है 74 जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें तुमको, और उसके साथ साथ 74 के साथ साथ 106 वो भी D4 में पाए जाते हैं, 106 जिसकी बात अभी हम करते हैं सिवोर्जियम, तो वो भी तुम्हारा क्या होंगे D4 उसमें भी स्टेबल होते हैं। तो ऐसा ये मतलब नहीं है कि D4 नहीं होते हैं, मैंने ये कहा कि इसकी टेंडेंसी पाई जाती है कि ऐसा होता है, तो जिस भी से एलिमेंट में जो हमारा एक्सेप्शन पाया जा रहा है मैं उसकी चर्चा करता रहा हूँ। जो 3D सीरीज में जो अक्सर तुमको जो सबसे जो कॉमन है जो क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में, क्रोमियम दैट इज 24, तो क्रोमियम का तो खैर तुमको लिख सकते हो शुरू से भी लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और देखो यहां पर मैं पहले तो अगर तुम ऑफ बॉब प्रिंसिपल के आधार पर लिखोगे तो 4s2 लिखोगे और तुमको 3d4 लिखोगे तो ये 24 आ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा ये गलत हैं, और इसके जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो तुमको मैं अब लिख देता हूं। ये क्रोमियम का यह है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये सही कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी तरह से तुम्हारा कॉपर का है, कॉपर का 29 का, तो जाहिर है कि आर्गन 18 के आधार पर मैं लिख देता हूं आर्गन 18, तो ये हो जाएगा 4s1 और 3d10। इसके बाद तुमको आता है मॉलिब्डेनम 42 जो कि क्रोमियम में 24 इसी के जस्ट क्रॉसपॉन्डिंग है, तुमको 28 ऐड करें सेम ही ग्रुप का है दोनों, ये दोनों भी जो अभी लिखेंगे एजी उस भी सेम ग्रुप के होंगे तुमको ग्रुप 11 के, और तुम्हारा ये जहाँ तक है इसका क्या हो जाएगा ये क्रिप्टन 36 से आएगा, और इसमें भी क्या कर दीजिए इसमें भी 4s1 कर लीजिए आप, मतलब 5s1 कर दीजिए और 4d5 कर दीजिए, ये सही हो जाएगा आपका मॉलिब्डेनम, ये भी एक्सेप्शन गया। इसी के साथ Ag47 इसमें भी जो कॉपर के ग्रुप में आएगा उसमें भी यही है तुम्हारा एक्सेप्शन, 36 कीजिए और यहाँ पर 5s1 और 4d10 कर दीजिए, ये होगा इसके साथ। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जो इसके ग्रुप में जो इसके ग्रुप में जो आएगा क्रोमियम के ग्रुप में, क्रोमियम का मॉलिब्डेनम ये सब जो ग्रुप में आ रहा है तुम्हारा, उसमें जो तुम्हारा एक नया एलिमेंट टंगस्टन जो आने वाला है वो एक्सेप्शन में नहीं है ये ध्यान रहे, लेकिन इसके ग्रुप में जो एक्सेप्शन आएगा तुमको ग्रुप 11 में वो एक्सेप्शन में जरूर रहेगा, 79 गोल्ड
दैट इज इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर XE54 इसमें से लिखेंगे नोबल गैस पे। तो ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद जो तुम्हारा होता है 4F14 लिखिए, 4F14, और उसके बाद तुमको 6S में 1 करना होगा आपको, और 5D में 10 करना होगा आपको, 5D में 10 करना होगा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। और तुमको जाहिर है कि AU के बाद जो नए एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हुए हैं इसके नीचे, उसमें भी एक्सेप्शन पाया जाता है, दैट इज रेंटेजेनियम। ये जो रेंटेजेनियम है तुमको 111, वो भी इसी ग्रुप में एलिमेंट आए हैं, जो कि रेडॉन 86 के आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा तुमको, 5F14 आप लिख दीजिए पहले, उसके बाद 7S में 1 करना होगा आपको, और 6D में 10 करना होगा। तो ये तुमको एक टाइप के एक्सेप्शन थे। और ध्यान रहे कि इसमें 74 जो तुम्हारा था और 106 जो तुम्हारा रेंटेजेनियम और टंगस्टन, उसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबल है। तो दो में D4 कॉन्फ़िगरेशन आपको पाए जाते हैं, लेकिन D9 से D10 सब में किया गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब जहां तक कि और कुछ एक्सेप्शंस की हम बात करें, तो तुमको एक एक्सेप्शन जो कि तुमको देखोगे लेंथेनम में जो तुम्हारा है, लेंथेनम जो 57 है तुम्हारा, वह भी कायदे से अगर है तो ये लेंथेनम 57 को एफ ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए था। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जेनॉन 54, देखो जैसे जहां तक किस कहां तक भरेगा, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, दैट इज 5P6 लास्ट कर गया। 5P6 के बाद आप 6S2 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखने का जो अपर रूल है 6S2। उसके बाद जो अफवाह प्रिंसिपल के आधार पर जो कि N+L 4F का जो तुम्हारा था वो पहले आता है, लेकिन ये एक्सेप्शन के में जाकर के पहले 5D में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इट इज एक्सेप्शन टू द अपर रूल। ये भी एक एक्सेप्शन है जिसके कारण ये डी ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनम हुआ है। तो ये ध्यान रखिए कि ये 5D1 हो गया, जबकि अगर हम लोग अपर रूल पे तो ये 4F में जाता, तो इट इज ऑल्सो एक्सेप्शन। एक्टिनियम 89 ये भी इसी तरह से एक्सेप्शन है। रेडॉन 86 के बाद अगर आप लिखते हैं तो पहले तो खैर 7S2 लिख देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7S के बाद आपको पहले 5F में इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए था, लेकिन आप 6D में एक इलेक्ट्रॉन पहले भर रहे हैं। तो ये दोनों भी एफ बार रूल के अगेंस्ट ही गया हुआ है, ये भी एक्सेप्शन है ये। इसके अलावा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं तुमको 41 से लेके इनफैक्ट 47 तक सारे एक्सेप्शंस ही हैं, और सारे में तुमको 41-2 कहां तक, 42 का तो मैंने इसे जिक्र, 42 और 47 इसमें जिक्र आया हुआ है, लेकिन मैं फिर से उसे कह रहा हूं 41 से लेके 41-47 एटॉमिक नंबर एक्सेप्शन ऑफ अफवाह रूल सभी एक्सेप्शन में आते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। अफवाह रूल सब में क्या है, इसमें एक तो तुमको D1 सब में, एक तो D1 रहता है, एक पैलेडियम जो तुम्हारा है उसमें D0 है। पैलेडियम में तुम देखोगे पैलेडियम दैट इज 46 जो है तुम्हारा, इसमें है तुमको क्रिप्टन 36 हो ही गया। इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें तुमको S में 0 इलेक्ट्रॉन कर दिया गया और 4D में 10 कर दिया गया, सीधा 46 हो गया, 5S0 है इसमें, एक ये एक्सेप्शन है। अदर एक्सेप्शन में सब में S1 है, मतलब 46 मैंने 41-47 एक्सेप्ट 46 में 0 एक्सेप्शन के कारण एक्सेप्शन हुआ, और 41-47 एक्सेप्ट 46 हैज S1, S में क्या रहेगा 1, S में तुमको मतलब कि हैज 5S में कितना रहना है उसको 1 इलेक्ट्रॉन, 5S में सब में 1 इलेक्ट्रॉन रहना है, ये ध्यान रहे। दो नहीं है, दो होना चाहिए तो ठीक रहता बॉर्डर के मुताबिक, बट ये 1 है। तो आई होप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे जितने थे जिसमें कि एक्सेप्शन है मैंने सबकी चर्चा कर दी। तो क्या इसमें ध्यान रखना, बहुत सा तुमको तो ये तुमको डील हो गया कैसे, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल से, जिसमें कि तुमको उसमें जो हाफ फिल्ड D4 कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं, दैट इज टंगस्टन और जाहिर है कि तुम्हारा सिबोर्जियम, ये D4 में पाए जाते हैं, और बाकी D4 के D5 मतलब कि बाकी तो D5 या D9 को में कोई नहीं पाया, D10 कर लेता है वो। तो ये तुम्हारा ध्यान रखने की बात है। और तुमको लेंथेनम में तुमको 4F में नहीं जा करके, लेंथेनम में पहले किस में चला गया, 5D में गया है। उसी तरह से एक्टिनियम में 5F में नहीं जा कर पहले 5F में नहीं जा कर पहले 6D में गया है। तो ये एक्सेप्शन है। और बाकी तुमको
वहाँ पर पैरिडियम में जीरो कर दिया गया है, बाकी में S1 कॉन्फ़िगरेशन हुआ है जो कि 41 से लेके वहाँ तक सारे एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। तो ये तुम्हारा मतलब मैंने ग्रुप वाइज भी लिख दिया था, ग्रुप वाइज से तो मैंने चर्चा इसलिए नहीं किया कि ग्रुप वाइज ज़्यादा चर्चा तुम्हारे बुक में नहीं किया हुआ है, इसलिए ग्रुप वाइज मैंने नाम भी रिपीट नहीं कराया, और इसे ग्रुप वाइज लिखा हुआ था बोर्ड पर तुम्हारा, तुम देखोगे बोर्ड पर अगर नोट करोगे तो तुम्हारा ग्रुप वाइज भी सारा एलिमेंट आ जाएगा। ग्रुप थ्री वगैरह में देखा होगा तुमने, ग्रुप थ्री में अगर नाम याद हो गया होगा, स्कैंडियम था, इट्रियम था तुम्हारा, लेंथेनियम था, एक्टिनियम था, तो ये सब तुम्हारा नाम हो गया। उसी ढंग से तुम जैसे ग्रुप जाओगे तुम्हारा क्या कहते हैं ग्रुप फोर में, तो टाइटेनियम से शुरू होगा, टाइटेनियम के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा जर्कोनियम, जर्कोनियम के बाद तुम्हारा आ जाएगा जर्कोनियम 40 हो गया, हैफनियम आएगा, हैफनियम के बाद तुम्हारा आ जाएगा जो न्यू एलिमेंट हैं जो कि तुम्हारा आया हुआ है वो आ जाएंगे, दैट इज़ तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा न्यू एलिमेंट जो सबसे 1 and 4 अदर फोडियम आ जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा ग्रुप वाइज आ जाएगा, तुम्हारा सबका नाम आ जाएगा। जहाँ तक कि ग्रुप 12 का जो तुम्हारा एलिमेंट है और वो तुम्हारा ग्रुप 12 ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते हैं, फिर से मैंने रिमाइंड कराया इस लाइन को, और तुमको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए और एलिमेंट के जो क्या क्या नाम हैं ये तुमने इस अभी तक जान लिया। अब जहाँ तक कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है, जनरल प्रॉपर्टीज में तुम्हारे पास तुम्हारे जो कि एनसीईआरटी बुक में हैं 14 जनरल प्रॉपर्टीज दिए गए हैं इसके। जहाँ तक की बात रहा स्कैंडियम को हम लोग ग्रुप 1 का एलिमेंट मानते हैं, बट जेडन को स्कैंडियम को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर करते हैं। जो फर्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्कैंडियम इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जेडन डजंट, व्हाई, एक्सप्लेन। तो इसको क्या कह सकते हैं, स्कैंडियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 की चर्चा करते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8.1 की बात करें तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुमको है स्कैंडियम का अगर 21 का लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में s में अनफिल्ड डी ऑर्बिटल है। अनफिल्ड मतलब कि नॉट कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इसमें है इन ग्राउंड स्टेट सो ट्रांजिशन एलिमेंट इट इज कैन बी कंसिडर्ड, इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल इसके कंप्लीटली फिल्ड नहीं है इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाना चाहिए। जेडन की जहाँ तक बात है, जेडन का तुमको 30 जो है तुम्हारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और जेडन 3d10 है कंप्लीट डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट में कंप्लीट डी ऑर्बिटल होगा, और साथ साथ इसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है Zn2+। और ध्यान रहे पहले लास्ट ऑर्बिट से निकल 3d से नहीं निकलेगा, ये ध्यान रहे कि मैं इसको लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो 3d10 बच जाएगा और लास्ट ऑर्बिट से पहले निकल जाएगा, ये बात ध्यान रहे। तो 4s2 3d10 अभी भी इसके पास है और बाकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये नहीं पाया जाता। तो Zn हैज कंप्लीट डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एनी ऑक्सीडेशन स्टेट सो Zn इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए कंसिडर नहीं करें किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्राउंड स्टेट में इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसे कंसिडर क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यह बात ध्यान रहे ग्रुप 12 के एलिमेंट को हम लोग ग्रुप 12 एलिमेंट में ये सबका यही है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा Zn CD HG और तुमको अभी जो तुम्हारा आ गया 112 दैट इज आ गया तुमको कॉपर निशियम, ये सब तुम्हें ये क्या कहलाएंगे, ये तुमको
ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आएंगे, और इसके जो तुमको होते हैं ये ग्रुप जो तुम्हारा हो गया ये तुमको वोलेटाइल मेटल कहलाते हैं, ये वोलेटाइल मेटल, इसके वोलेटाइल मेटल के रूप में भी इसे लोग जानते हैं। तो ये तुम्हारा अलग ग्रुप हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। स्कैंडियम में तुमको ग्राउंड स्टेट में उसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन अनफिल रहते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसमें डी में, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है वो, डी टेन नहीं है, डी जीरो भी नहीं है, और इसलिए उसे माना जाना चाहिए इसके। और इसका जहाँ तक है तुमको, तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वन की चर्चा हो गई। अब इसके बाद जो तुम्हारा आता है जनरल प्रॉपर्टीज़ की जो चर्चा है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि यहाँ तक के तुम्हें जो आज का जो स्टार्टिंग लेक्चर है तुम्हें समझ में आ गया होगा। सारे एलिमेंट का मैंने परिचय करा दिया, पीरियड वाइज भी देख लिया तुमने, ग्रुप वाइज भी तुमने देख लिया होगा, एलिमेंट को फिर से नोट भी कर लिया होगा। तो आई होप कि तुमको जो भी किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी कुछ भी कोई भी पोर्शन में दिक्कत है या पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो, राइटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके किसी पर्टिकुलर सेक्शन में भी तुम कहीं से क्लासेस वगैरह किए हो, तुम्हें नहीं समझ में आया हो परीक्षा के समय में, तुमको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो जो कि कुछ टॉपिक्स नहीं बने, कोई प्रॉब्लम नहीं बनते हो, तुम हमसे टाइम ले करके हमसे कभी भी पर्सनल टाइम ले सकते हो अपना, या तुम कोर्स करना चाहो उसके लिए भी तुम ऐप पर आ सकते हो, राइटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। एनी फॉर एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। तो आज का समाप्त कर रहे हैं हम लोग क्लास।